हेलो दोस्तों, वेटिंग टिकट के रिगार्डिंग एक नियम में बदलाव किया गया है। दोस्तों अब से वेटिंग टिकट स्लीपर क्लास में या फिर एसी क्लास में सफर नहीं कर सकता वेटिंग टिकट लेके। इसके रिगार्डिंग दोस्तों एक वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया था, तो वहां पे बहुत सारा लोगों का कमेंट आ रहा है कि अगर मेरे पास आरएसी का टिकट है, मुझे आरएसी टिकट मिला है, कंफर्म नहीं हुआ है सीट अभी तक, तो क्या हम भी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे या फिर कुछ हमसे भी जुर्माना लिया जाएगा या फिर उसका नियम क्या कहता है। तो दोस्तों अगर आप आरएसी टिकट ले चुके हैं तो आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा, आरएसी में सफर कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे ये नियम में बदलाव होने के बाद। आज की इस वीडियो में डिटेल से बताता हूं, वीडियो में बने रहिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आखिर आरएसी टिकट होता क्या है, ये कैसे कंफर्म होता है। आरएसी टिकट मतलब होता है दोस्तों कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जैसे जैसे टिकट कैंसिल होते जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का दिमाग चेंज होते रहता है, उनको कुछ ना कुछ काम आते रहता है। मान लेते हैं पहले 100 बंदे का जो है सीट कंफर्म था, उसमें 50 बंदे ने टिकट कैंसिल कर दिया, 10 बंदे ने कैंसिल कर दिया, तो सबसे पहला जो हकदार होगा आरएसी वाला ही होगा। सबसे पहले उस टिकट को आवंटित आरएसी वाले को ही किया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल वीडियो बनाया दोस्तों कि कैसे सीट मिलेगा, कहां पे बैठना होगा, आपको फाइन देना होगा कि नहीं देना होगा। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे दे देता हूं, जाके देख लीजिएगा वो वीडियो, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आरएसी के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नियम में बदलाव हुआ कि वेटिंग टिकट लेके आप ट्रेवल नहीं कर सकते, इससे आरएसी में क्या फर्क पड़ेगा, आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों अगर आप आरएसी टिकट ले लेते हैं तो इस नियम से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आरएसी का अलग होता है दोस्तों, आरएसी का कोटा ही अलग होता है। वो टिकट वेटिंग लिस्ट का टिकट नहीं माना जाता है, वो माना जाता है दोस्तों रिजर्वेशन का ही टिकट है। लेकिन उसमें क्या होता है, सीट को शेयर कर दिया जाता है, वो भी एक रिजर्वेशन ही है दोस्तों, वो वेटिंग नहीं है। वो आप क्या करते हैं कि जब भी यात्रा करेंगे अगर आपको आरएसी का टिकट मिला तो सीट को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। 50% सीट आप रखेंगे, 50% आपके बगल वाले पे, ठीक है, मतलब एक सीट में दो लोगों को एडजस्ट किया जाता है आरएसी में। तो इस नियम में ये बदलाव हो चुका है दोस्तों कि अगर आपके पास वेटिंग का टिकट है तो आप किसी भी कोच में नहीं बैठ सकते हैं, आपको फाइन भी देना होगा और अगले स्टेशन पे आपको उस जो भी स्टेशन पे आप चढ़े होंगे या फिर ट्रेन जहां पे खुला होगा दोस्तों, जिस स्टेशन से ट्रेन खुली होगी और जिस स्टेशन पे आपको उतारा जाएगा वहां तक का किराया भी आपसे वसूला जाएगा। साथ में आप लोगों से ये जो पेनल्टी है 440 रुपए का, ये भी आपको देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, और आप यात्रा नहीं कर पाएंगे, आपको उतार दिया जाएगा टीटी के द्वारा या फिर आरपीएफ के द्वारा। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम लागू किया गया है दोस्तों रेलवे की तरफ से, ठीक है। लेकिन इससे आरएसी वालों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपको सीट मिलेगा उसमें आपको बैठ जाना जाके। अब आपको ये नहीं पता होगा कि सीट मिलेगा कैसे, तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, चार्ट प्रिपेयर होने के बाद आरएसी वालों का सीट भी आ जाता है, कोच भी आ जाता है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। जब चार्ट प्रिपेयर होता है तो अभी आप अगर आपको आरएसी सीट मिला है ना, तो आपको देखने को मिलेगा आरएसी 100, आरएसी 10, आरएसी 9, ऐसे देखने को मिलेगा। लेकिन उसके नीचे आपको नहीं पता चलेगा कि सीट नंबर क्या है, मेरा कोच नंबर क्या है। तो चार्ट प्रिपेयर होने के तुरंत बाद आपके फोन में एसएमएस आ जाएगा, या फिर चार्ट बनने के बाद जब आप पीएनआर स्टेटस चेक करेंगे तो वहां पे भी आपको पता चल जाएगा कि आपका क्या है सीट नंबर और आपका कोच नंबर क्या है, यानी कि बोगी नंबर और सीट नंबर क्या है, वो आपको पता चल जाएगा चार्ट बनने के बाद। चार्ट कब बनता है, ट्रेन खुलने से 3-4 घंटा पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आरएसी में आपको सीट नंबर और कोच नंबर क्या मिला है। लेकिन ये नहीं सोचना कि आरएसी हमको अगर कंफर्म नहीं होता है तो हम ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, ये दिमाग से उतार दीजिए दोस्तों। जो आरएसी टिकट होता है उसमें आप बहुत ही आसानी से ट्रेवल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग और वेटिंग टिकट के रिगार्डिंग, जिसमें मैंने बताया कि आरएसी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस नियम के बाद, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।